₹60 का टिकट पड़े 74 किलोमीटर है भाई यहाँ से कानपुर। ठीक है, तो ये भाई भाई साहब भी खुलने से पहले ही लटक गए। भाई गाइस आपका स्वागत है मेरे एक और न्यू वीडियो में दोस्तों। तो आज का हमारा जो सफर होने वाला, अभी करीबन सुबह का टाइम चल रहा है, तो फिलहाल अभी गोमती एक्सप्रेस से जा रहे सीधे लखनऊ के लिए। ठीक है, तो आज का सफर आप लोग को गोमती एक्सप्रेस से मिलेगा। फिलहाल ज़्यादा दूर का नहीं, केवल 70-80 किलोमीटर पड़ता है। करीबन ₹60 की मेरी ये टिकट पड़ी। ये देखो ₹60 की टिकट पड़ी 74 किलोमीटर है भाई यहाँ से कानपुर। ठीक है, ये जो देख रहा भैया इसी पे आनी है, भैया इधर से आनी है, इधर से आएगी शायद इस तरफ जाएगी। ठीक है, तो चलो बने रहना भैया, जैसे ट्रेन आती गोमती एक्सप्रेस फिलहाल निकलते हैं। करीबन 4 जनरल डिब्बे जो कि इंजन के बैक साइड पे पड़ते हैं। चलो यहाँ पे वेट कर रहा है और फिलहाल यहाँ से फिर निकलते हैं और देखते हैं। तो चलो ये देखते हैं कि भैया जनरल डिब्बा कैसा रहता, भरा रहता कि खाली रहता, मतलब पूरा आप लोग को देखने को मिलेगा ही। ठीक है, तो चलो बने रहना। अभी अपनी गोमती एक्सप्रेस आप भैया इसमें देखना है कि भैया डब्बे का वैसे दिखा तो उसके पीछे रहा है। ये देखो भैया अपनी गोमती एक्सप्रेस आ गई भैया, अब इसके जनरल डिब्बा देखते हैं भैया आगे हैं कि पीछे हैं, चेक करते हैं भाई। ये भाई भाई साहब भी खुलने से पहले ही लटक गए, दरवाजा खुला नहीं, लोग लटक पहले जाते हैं यार, बहुत जल्दी बची रहती है, अंदर सीट पकड़ने की सबसे ज़्यादा जल्दी बची रहती है कि सबसे पहले सीट मिल जाए किसी तरीके। चलती ट्रेन में घुस गया भैया अभी। अरे भाई अपना जनरल डिब्बा भैया धक्का मुक्की तो पेलम पाली तो हो ही जाती है जनरल डिब्बे में, जल्दी जल्दी जो पहले अंदर घुस जाए उसको सीट मिल जाए और जो बाद में घुसे भैया उसको सीट मिले ना मिले। चलो देखते भैया, इधर खा लिया इधर घुस जाते यार, हाँ फालतू में इतना धक्का मुक्की हो रहा है यार। अपनी लखनऊ से होते हुए नई दिल्ली, तो ये भैया अपने लखनऊ से लगती है और सीधे नई दिल्ली होते हुए आगरा स्टैंड तक जाती है भैया ये वाली ट्रेन, जिससे आज की हमारा सफर यात्रा शुरू होने वाली भैया। फिलहाल अपना तो केवल कानपुर तक का सफर है, केवल 80 किलोमीटर पड़ता है, उससे ज़्यादा लंबा सफ़र है नहीं भैया। तो आराम से पकड़े, तो ये भैया अपने सामने खड़ी हुई है, तो भैया हम तो यहाँ से सीढ़ी सीधे सीधे निकल जाएंगे। हाँ अभी अभी फिलहाल लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 1, देख लो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगी हुई। तो भैया ये फिलहाल यहाँ से 6:30 बजे निकलेगी और फिलहाल मैं पहुँच जाऊँगा 7:45 बजे करीबन कानपुर। चलो देखते हैं भैया 7:45 बजे पहुँचाती कि नहीं पहुँचाती। और भैया अभी तो खाली पड़ी है, अभी तो पहला प्लेटफॉर्म है ना, तो पूरी धुल धुला के अच्छी तरीके से साफ सुथरी होके आई है। अरे जब तक वहाँ पहुँचेगी तब तक तो इसकी हालत ख़राब हो जाएगी, जब तक वो आगरा तक पहुँचेगी। ये पब्लिक हालत ख़राब कर देती है ना, टूट के और ऐसी तैसी हो जाती है, बाथरूम लायक नहीं रहता। दोस्तों अभी देखो कितना मस्त साफ है, क्योंकि अभी अभी बिल्कुल धुलाई होके धुल ढाल के आई है ट्रेन ना, तो देखो कितना मस्त साफ है। दो घंटे बाद देखना इसका हालत क्या होगा, एकदम तगड़े तगड़े पूरा गंदा हो जाएगा भाई साहब। तो भाई फिलहाल अभी निकल गए सीधे लखनऊ के रेलवे स्टेशन से और हमारी एक और नई जर्नी स्टार्ट हो गई है, जो कि गोमती एक्सप्रेस से और कानपुर तक रहेगी। केवल 75 किलोमीटर की जर्नी रहेगी, तो इस छोटी सी जर्नी में आप लोग बने रहिएगा। फाइनली अभी आ गया अपना उन्नाव का रेलवे स्टेशन भैया, और लखनऊ के बाद अपना ये फर्स्ट रेलवे स्टेशन है भैया। अब यहाँ पे स्टॉप होगा अपना, उसके बाद थोड़ा हम उतरते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे भाई अच्छा खासा मेरे को लगता भरने वाली है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक है, सब तैयार है यार भैया बाय बाय लेके। अभी देख सकते हो अभी ठीक ठाक, अभी ज़्यादा भीड़ नहीं, लेकिन जैसे ही कानपुर आएगा ना, कानपुर आने के बाद अच्छी खासी भीड़ होने वाली, ये जितनी भी खाली दिखाई दे रही ना अच्छा खास भर जाएगी कानपुर आने के बाद। खास भाई अच्छा समोसा लड़का सो गया यार, पेस उस पे ये समोसा ले रहा, समोसा को बुला के खड़ा करो, चला गया। आइए आइए भैया समोसा वाला भैया। निकलो भैया निकलना है,
पहले निकल जाने दिया करो, उसके बाद करो। टाइम हो रहा है 8:15 करीबन, और फिलहाल अभी आ गया कानपुर रेलवे स्टेशन। भैया इस ट्रेन से आई है अपनी सामने भैया लखनऊ नई दिल्ली आगरा कैंट वाली, और फिलहाल अभी सीधे जा रहा है यहाँ से घर। तो चलिए ऐसे साथ ये वाला वीडियो, उम्मीद करता आप लोग को अच्छा लगेगा। एक छोटी सी जर्नी थी जो कि लखनऊ से लेके कानपुर तक की थी, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वही कर लो, लाइक करो, चैनल करो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड बगल में दिया बेल आइकन उसको जो दबा देना। तो मिलता हूँ मैं अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, ओके बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।